महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बल्लारपुर शहर के चंदेल परिवार की ओर से 1988 से रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की परंपरा लगातार चली आ रही है। 1988 से लखन सिंह चंदेल प्रभु साईनाथ देवस्थान से जुड़े, तभी से वो रामनवमी की शोभा यात्रा के आयोजन में शामिल हुए हैं। इसके लिए वे किसी से भी चंदा नहीं लेते। शोभा यात्रा में आने वाला पूरा खर्च चंदेल परिवार ही उठाता है। इस साल भी चंदेल परिवार की ओर से रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों राम भक्त जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। प्रभु श्री राम के विशाल प्रतिमा शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही, तो वहीं साक्षात हनुमान जी की शोभा यात्रा भी शामिल हुई। शंकर भगवान की वेशभूषा में एक राम भक्त ने शोभा यात्रा में सबका मन मोह लिया। पूरा शहर राममय हो गया था। जय श्री राम के जयकारे की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। 1988 से प्रभु साईनाथ देवस्थान मंडल से रैली निकलती है। बीच के केवल दो वर्ष जो कोरोना के थे उसमें रैली नहीं निकली, और पूरे 1988 से आज तक बिन चुके मैं हर रैली में था। 2003 से मैं यहाँ का अध्यक्ष बना प्रभु साईनाथ देवस्थान मंडल का। उस वक्त से मेरे ही कार्यकृति में रैली निकलती है, और अभी 6 साल से मेरा ही परिवार निकालता रहे। कोई भी कलेक्शन हम लोग नहीं करते, हमारे ही सब कुछ है। इस साल तो हमने और एक गजब का काम किए, जितने भी रैली में झांकियाँ थी पूरी हमने बनवा ली है। आगे से भी जहाँ भी हिंदुओं का काम होगा, जहाँ भी हिंदुओं की रैली उनकी मदद करना है, तो मैं ये गाड़ी घोड़े जो झांकी है उनको फ्री में दूँ। और ये सब करने में मुझे बहुत आनंद आता है, और इसी की ये वजह है कि मेरा पूरा परिवार, हम 22 आदमियों का परिवार है, जिसमें 3 भाई 1 बहन, हमारे 3 बेटे 4 बेटियां और मेरे बेटी के बेटे, दूसरे बेटी के भतीजे, हम सब साथ एक ही घर में रहते हैं। यही इसी का परिणाम मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है, और ये हर आदमी को मैं सलाह देता हूँ कि परिवार एक परिवार में रहना चाहिए, रैली निकालना चाहिए। रैली में किसी का दिल दुखे ये काम नहीं करना चाहिए। रैली में जो लोग जाते आते उनकी रक्षा करना, उनका खाने पीने का ख्याल रखना, ये सब अपन ने देखना चाहिए। आज की शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण जो प्रभु राम की मूर्ति थी, ऊपर से जो हनुमान जी फेरे लगा रहे थे वो एक चीज़, दूसरे शंकर जी बने थे जो उनके ऊपर जो सर्प थे, वो व्यक्ति गूंगा बहरा था और मन से वो शंकर जी बना हुआ था। पूरी रैली में 3 किलोमीटर पैदल जाना, 3 किलोमीटर उतना वजन लेके वो चला, और पूरे जितने भी मतलब वो लोगों ने काम किए पूरे भक्ति भाव से काम किए। बल्लारपुर से नारद प्रसाद के साथ BC News के लिए सुनील ताड़े की स्पेशल रिपोर्ट।